इन विजलमैन चैप्टर 28 हिंदी समरी। डॉक्टर किम भागते हुए सामने वाले घर में घुस गए, पर उस घर के मालिक मिस्टर हिलास ने देखा उनका घर तो ग्रिफिन ने उजाड़ कर रख दिया है, उनका घर तो तहस नहस हो चुका है। तो वह बुरी तरह से डर गए और डॉक्टर किम को वहां से चले जाने के लिए कहा। मिस्टर हिलास ने डॉक्टर किम को अपने घर से निकाल दिया तो डॉक्टर किम अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। सड़क पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे तो वह उनसे मदद मांगने के लिए चिल्लाने लगे। जब उन लोगों ने डॉक्टर कैम्प को बचाना चाहा तो ग्रिफिन उन्हें पीटने लगा, पर तभी एक मजदूर ने ग्रिफिन के सिर पर अपने फावड़े से जोरदार हमला कर दिया। ग्रिफिन का शरीर खून फेंकने लगा। सब लोगों ने उसे पकड़ लिया पर वह रोने लगा और दया की भीख मांगने लगा। डॉक्टर कैम्प ने उसे छोड़ने के लिए कहा पर तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी, वह अब मर चुका था। अब वह दिखने लगा था एक गॉड गिफ्टेड दिमाग वाला वैज्ञानिक एक दुखद मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। अब नैरेटर मिस्टर मार्वल के तरफ सबका ध्यान खींचते हैं। अब वह एक धर्मशाला का मालिक बन चुका है और उस धर्मशाला का नाम द इनविजिबल मैन रखा था। किसी को नहीं पता था कि उसने इतनी सारी बड़ी संपत्ति कहाँ से खड़ी कर ली, जबकि वह तो एक बहुत ही गरीब आदमी था। जो भी उससे उन तीन किताबों के बारे में पूछता तो वह मना कर देता और कहता यह सारी अफवाहें डॉक्टर कैम्प फैला रहे हैं। पर वह तीनों किताबें तो उसी के पास थीं। वह रोज उन किताबों को पढ़ने की कोशिश करता पर उसे सिर्फ अफसोस ही होता। वह रोज सोचता काश वो कभी अदृश्य हो जाता। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड